किधर गई थी आप? बताते नहीं चला था आपने। सॉरी, ये साथ इसका गरारा है और ये साथ का दुपट्टा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर व्लॉग। आज हमारा घर जरा सूना सूना लग रहा है, मेरी आवाज़ भी आपको ज़रा धीमी धीमी लग रही होगी क्योंकि ज़ुबैर आज हमारे साथ इफ्तारी पे नहीं है, वो आज कहीं बाहर गए हैं इफ्तारी पर। ज़ुबैर ने मुझे बहुत दिनों से कहा था कि 8 तारीख को मेरी इफ्तारी बाहर है, तो तुमने मुझे 8 तारीख को नहीं तंग करना, तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाएँ। और अब जिनसा है इफ्तारी हमें अकेले करनी पड़ेगी, मैं हूँ और मामा हैं। बाबा को मैंने बुलाया था क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो मैंने बाबा से कहा प्लीज़ आ जाएं। ज़ुबैर ने भी पता नहीं कब आना होगा। मैं अब जा रही हूँ किचन में क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। एक मज़े की बात है वो ये है कि ज़ुबैर ने तो मुझे बताया था कि मैं जा रहा हूँ 8 तारीख को इफ्तारी पे, लेकिन मैंने ज़ुबैर को नहीं बताया कि मेरा क्या प्लान था 8 तारीख का। इफ्तारी करते हैं और फिर मैं आपको अपना प्लान बताती हूँ। मैं हुई हूँ बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि इफ्तारी का टाइम सर पे पहुँच गया है और अभी कुछ आइटम्स हैं जो हमारी फ्राई होने वाली हैं। ये कुछ रोल हैं तो आज हम यही कर लेते हैं। आज मैंने कैमरा किसी को पकड़ाया हुआ है और वो जो किसी है ना उसको बहुत शर्म आती है कैमरे के आगे, तो इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते, उसका पर्दा है। तो मुझे पता, अब आप गेस करें कि वो किसी कौन है। हमारी छोटी सी इफ्तारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको लेके चलते हैं लाउंज में। इफ्तारी हमने लाइट आज इसलिए किया क्योंकि आज हम लोगों का प्लान ये बना है कि हम लोग बाहर जाएंगे सुशी खाने के लिए इफ्तारी के बाद, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से दिल जा रहा था सुशी खाने को और ज़ुबैर मुझे लेकर नहीं जा रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि रमज़ान में सुशी कौन खाता है। वो कहते कि रमज़ान के बाद जाएंगे, लेकिन अब ज़ुबैर नहीं है और मैंने बाबा को बुलाया तो हम बाबा के साथ जाएंगे। ज़ुबैर नहीं है तो क्या हो, बाबा तो है। आई एम सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की दी हुई हैं, बाबा भी हैं, ज़ुबैर भी हैं, भाई भी है। मैं किसी को भी बुला लेती हूँ काम के लिए। मेरी बेटी यहाँ पे सो रही है माशाल्लाह। एंड विद इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से। बहुत सारी दुआएं की आप लोगों ने एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। इतना सारा प्यार करते हैं आप लोग विरदा से, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के और कॉमेंट्स पढ़ के। यहाँ इफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और अब हम लोग पढ़ने लगे नमाज। गाइस हम लोग अब फारिग हो चुके हैं, बाबा नहीं आए हैं अभी तक क्योंकि बाबा को कोई काम पड़ गया था और वो कह रहे थे कि मैं वहाँ से फ्री होके आप लोगों के पास 8 बजे तक पहुँचूँगा। अब वो आएंगे तो फिर हम सुशी खाने जाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले होती हूँ तैयार, तैयार होके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और विदा जो है वो अभी तक सो रही है और मैं कोशिश करूँ कि वो भी उठ जाए ताकि उसको भी तैयार करके तो साथ लेकर जाएं, लेकिन उसके उठने का कोई इरादा नहीं लग रहा क्योंकि उसने मेडिसिन भी हुई है और उनमें होती है नींद। विरदा हुई भी है फुल टन। तो यार मैं जा रही थी तैयार होने के लिए और विरदा उठ गई है। आप उसी टाइम क्यों उठते हो जब मामा को कोई काम होता है विरदा? डू यू वॉन्ट टू गो अपस्टेयर्स? मेकअप करना है आपने? मैं सो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ और विरदा को मैं अपने साथ ऊपर स्टूडियो ले गई थी और द गुड न्यूज इज के बाबा भी आ गए। हेलो बाबा। बाबा का मूड ख़राब है किसी बात पे तो वो ज़्यादा हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे इस टाइम। यहाँ पे हमें एक और सरप्राइज़ मिला है। मैं चाह रही थी कि मैं ज़ुबैर को सरप्राइज़ देती कि हम लोग गए हैं उनके बगैर, लेकिन हमें सरप्राइज़ ही मिल गया कि मेरी गाड़ी ही नहीं खड़ी हुई बाहर। ज़ुबैर सुबह वो दे आए हैं वर्कशॉप पे कोई काम होने के लिए और मुझे पता ही नहीं कि बाहर गाड़ी नहीं खड़ी हुई। कोई बात नहीं, जाएंगे तो हम फिर भी क्योंकि मैं तैयार हो गई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तैयार हो गई हूँ तो मैं घर पर बैठी रहूँ, मैं तो जाऊँगी कहीं ना कहीं। दिस इज़ माई फिट फॉर टुडे। विदा को भी मैंने अपने साथ मैचिंग कपड़े पहनाए हैं। हेलो विदा, हाय। लेट्स गो गाइज, बाहर हमारी ऊबर आ गई है और बाबा अभी तक सो रहे हैं। मैं उनको उठा के गई हूँ लेकिन उठे नहीं है, मैं दोबारा उठाती हूँ। पापा चले, ऊबर आ गई है। लेट्स गो यार, तुम लोग जाओ यार। क्यों? मेरा मूड नहीं है, मुझे सोने दो। आ जाए प्लीज, आके सो जाएगा, मजा आएगा, मजे मजे की सुशी है। सो गाइज बाबा को मैंने फाइनली मना लिया है, वो वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम से होके आते हैं फिर हम निकलते हैं। कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। थोड़ा सा मिसिंग फील हो रहा है, बट दैट्स ओके, कभी ज़ुबैर के बगैर भी जाना चाहिए। ज़ुबैर इतनी जगह पे मेरे बगैर जाते हैं, मैं नहीं जा सकती उनके बगैर किसी जगह पे। मुझे आदत नहीं है जाने की, थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है, लेकिन दैट्स ओके। विदा को हमने काबू किया था क्योंकि कहती मुझे रोड पे छोड़ दो, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते थे। ऊपर चले वेदा, क्या लग रही है ना वेदा? माय बेबी इज वेरी स्मार्ट। ये हम लोग आज बैठे हैं आउटडोर में क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, वेदा के लिए हम थोड़े कंसर्न होते हैं, लेकिन मौसम ज़रा बेहतर है। एंड हियर वी हैव द मेन्यू।
हम लोगों ने इस वजह से मंगवाना है नो रॉ सुशी प्लेटर, अ सिलेक्शन ऑफ आवर सुशी रोल्स विद कुक्ड इंग्रेडिएंट्स ओनली टॉप्ड विद स्पाइसी सॉसेस। एक न्यूज़ मेरे पास और है आप लोगों को देने के लिए जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि विरदा की जो ईदी है वो आई है, और इतनी प्यारी ईदी आई है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं घर जाऊँगी, मुझे अभी याद आया कि विरदा की ईदी आ रही है, मैंने आप लोगों को दिखानी है। घर जाते हैं, घर जाके मैं आपको विरदा की ईदी दिखाती हूँ एंड यू विल बी स्टन्ड। बहुत प्यारी है ना, ज़बरदस्त प्यारी एंड क्यूट क्यूट से छोटे चीज़ें ना वैसे बड़ी खूबसूरत होती है और अट्रैक्ट करती हैं आपको। तो वो इतने प्यारे हैं, छोटे छोटे सी चीज़ें देखने में बहुत मजा आता है। बाबा आप इंटरेस्टेड हैं विरदा की ईदी देखने में? विरदा की ईदी जितनी मर्जी प्यारी हो जाए, विरदा ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। विरदा प्यारी सिंपल है, सिंपल। मुझे आप बताएं आप विरदा को क्या ईदी दे रहे हैं? मैं विरदा को दे रहा हूँ अपना दिल, अच्छा अपनी जान, दुआएं और भी बहुत कुछ। मतलब इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखे हम। बड़ों की दुआएं जो बच्चों के काम आती है ना, वो शायद चीजें तो माँ बाप भी दे देते हैं, पैसे भी दे देते हैं, बड़े भी दे देते हैं, लेकिन बड़ों के पैसों से ज्यादा दुआएं काम आती हैं। और ये दुआएं ऐसी चीज है जो हमें हर बंदे से नहीं मिल सकती, और जो बड़ों की दुआएं हैं उनकी तो बात ही और है। तो विरदा इज वेरी लकी कि उसके सर पे उसके नाना दादा मौजूद हैं उसके लिए दुआएं करने के लिए, और उसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। आप सोचें कि अभी क्या हुआ है, सामने इतना बड़ा प्लांटर पड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से मिट्टी निकाल निकाल के विरदा खा रही थी। ये मैंने अभी इसको पकड़ा है और अब इसको इसकी चेयर में बंद किया मैंने। एक सेकंड में हमारी नजर इधर से उधर हुई और उसी वक्त इसने काम दिखा दिया। यार ये बच्चों को मिट्टी खाना क्यों पसंद होता है मुझे नहीं समझ में आती, मिट्टी में ऐसा क्या फ्लेवर होता है जो खाने में नहीं होता। मामा से पूछो कि आपने कितनी मिट्टी खाई थी अपने बच्चे? मैंने नहीं खाई थी, मानूर ने सिर्फ उंगलियां चूसी थी, ये वाली अब्दुल्ला ने खाई थी, ये कॉर्नर्स वॉल के कॉर्नर्स, और जो अरूप थी वो जूते चाटती थी मिट्टी वाले। अरूप की बहुत फनी स्टोरी है लेकिन वो भी नहीं बताएंगे, और जब अरूप आएगी इसके सामने बताएंगे, ज्यादा मजा आएगा। हाँ सर आपको ना इसका व्यू भी दिखाती हूँ, ये देखिए बिजी लाहौर, नाइस व्यू। दो मामा की जानू लाइटिंग इज जस्ट सो परफेक्ट, सो एस्थेटिक। सुबह मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं फिर आऊँगी अक्सर खाना खाने के लिए, पक्का प्रॉमिस। सबसे पहले तो हम लोग ना इसको पकड़ना सीखें, इन्होंने ये अच्छा काम किया कि पीछे से जोड़ी हुई है। मामा ये नहीं आएगी मेरा ख्याल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइक दिस एंड देन दिस। और ये विरदा के फिश क्रैकर्स भी आ गए, विरदा खा का यम्मी यम्मी। और मेरी ना चॉपस्टिक टूट गई है तो हम देसियों के लिए ना यही ठीक है। और मजे की बात यह है कि वो जो कड़वा कड़वा यहाँ ग्रीन नहीं पड़ा होता वो मामा ने खा लिए। अब आपको पता नहीं चला क्यों? कैसा टेस्ट है? बहुत खराब हो गया ना बाबा, इतना एंजॉय कर रहे थे सुशी को। अब मुझे लगता है वो पुदीना वगैरह का कुछ बना हुआ है। आह बहुत कड़वा है वो। तो ब्लॉग में आप इतना कड़वा। It tastes like poison। इतना कड़वा होता है वो। चलें आप ये खाएं और अपना टेस्ट बेहतर करें। आपको चॉपस्टिक से सही वाला खाना खाना आता है? राव ना। हांगकांग में। थाईलैंड में। आप हांगकांग और थाईलैंड में रहे हुए हैं इसलिए आपको खाना आता है। मैं कभी नहीं रही ना इसलिए मेरा ये हाल है। यार they were being extra nice, तो उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ये न्यूटेला डिजर्ट दिया। How's it? Yummy? बाबा को भी बाबा खा लेना। खाना शाना हमने खा लिया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। We enjoyed a lot। हम लोग घर पहुँच चुके हैं और रास्ता कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला, बातें करते करते जो भाई हमें छोड़ के गए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रखे। यंग लड़के होते हैं, ऊबर चला रहे होते हैं, दिल भी ख़राब होता है, बस ये होता है कि अल्लाह ताला सबको इतना दे कि किसी का मोहताज ना करे और सबको खुश रखे। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला सबको कंटेंटमेंट दे, थोड़ा हो ज़्यादा हो कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है, कि आप जिसमें भी हो खुश हो और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो बस। हाय आपने बैठना है इसमें, ओके ओके। एंड यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है कि जुबैर घर पे ही मौजूद है क्योंकि मुझे कमरे में से आवाज़ें आ रही हैं
और लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनको बता के नहीं गई थी कि मैं कहाँ गई हूँ। और वो घर आए, उनको घर पे कोई नज़र नहीं आया और उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं की, वरना हमेशा मुझे कॉल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो, किधर गई थी आप? मैं गई हुई थी सुशी खाने। तो आप बता के नहीं जाना था आपने? बता के जाना था जी। मैंने कहा आपको सरप्राइज दूंगी। किस चीज का? क्या जब घर आएंगे आपको कोई भी नहीं मिलेगा? सरप्राइज नहीं है, वैसे आपको बता के जाना चाहिए था। वाकई में? यस सॉरी। खुशी मिल गई? आप मुझे डांटते हैं, मैं नाराज हो गई हूं। नाराज हो गई है? नाराज होकर आपने क्या सोचा है कि क्या करना है? दोबारा कभी सुशी खाने नहीं जाना? और आपने ये करना है तो ठीक है, मैं मजीद डांटता हूँ आपको। मैं आपसे बात नहीं करूँगी अब, आप मुझे डांटे हैं। देखिए ना, मैंने मुझे कभी नहीं डांटा, आप कैमरे के सामने जानबूझ के इस बार ओवर होने के लिए मुझे डांट रहे थे। नहीं, मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ, देखिए सुशी ठंड पड़ गई, आप सुशी खा के नहीं। अब मेरे अंदर आग भरक उठी है जब से आप मुझे डांटा है उसके बाद से। ठीक हो गया। और अब आपने सोचा है दोबारा सुशी खाने कभी नहीं जाएंगी? नहीं मैं जाऊंगी। सुशी खाने जाना मसला नहीं, मतलब बता के जाता है। देखो अब आप लोग घर पे नहीं थे तो मैं परेशान हो रहा था कि आप लोग किधर हैं। तो आपने सोचा था कि बच्ची सुशी खाने गई होगी? मैं कहाँ जा सकती थी बताए मुझे। जुबैर परेशान हो गया, एक्चुअली परेशान हो गया, घर पे कोई भी नहीं था, मुझे पता था कि जुबैर परेशान हो जाएंगे। आपने जो मुझ पर प्रैंक किया था ना? कौन सा? आदमी ने आप पे प्रैंक किया? प्रैंक किया गाड़ी वाला प्रैंक, सबको पता है। और आप जुबैर अनजान ना बने, प्रैंक नहीं था। जुबैर ने मुझ पर प्रैंक किया और आदमी ने जुबैर पे प्रैंक किया, हिसाब बराबर। हाई फाइव। हाई फाइव। अच्छा लगा आपको प्रैंक? मजा आया? ये प्रैंक नहीं था, कॉल करना मुझे भूली हुई थी बस। नहीं भूली नहीं हुई थी, मुझे याद था, मैं जानबूझ के नहीं आपको बताया। बस ठीक है, मैं आइंदा से मैं भी कहीं जाएगा बहुत सख्त जरूरत है। आप मुझे कैमरे में देख सकते हैं, मेरी आंखें कितनी मोटी हो गई हैं गुस्से से। बिल्कुल ठीक है। विरदा की कोई नई शॉपिंग होती है, कुछ होता है ना, मेरी शॉपिंग में जुबैर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जब विरदा की कोई चीज़ आएगी, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ये भी लिया था, अच्छा ये भी लिया, वाह नाइस। और फिर जब विरदा को मैं तैयार करूंगी तो फिर तो जुबैर खुशी से ना उसको देख के ऐसे निहाल होते जाएंगे कि यार कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे करते हैं ना आप, प्यारी लगेगी तो मैं यही कहूँगा, और वैसे ही प्यारी है विरदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी को टी शर्ट मंगवाई थी अपने लिए। ओके नाइस। The boys, yo. अच्छा ये तो आजकल मीम्स बहुत चल रही हैं इसकी। हाँ इसीलिए मंगवाई है। इसीलिए मंगवाई है ना? Trendy. वैसे शायद ना मंगवाई। Keeping up with the trend. So guys, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ विदा के ड्रेसेस जो बहुत ही प्यारे प्यारे आए हैं। ये देखें, ये विदा की शर्ट है, ये साथ इसका गरारा है और ये साथ इसका दुपट्टा है। इतना प्यारा है ना ये, और इसकी इतनी अच्छी फिटिंग आई है विरदा को। ये साथ देखें, ये पीछे हैंगिंग्स हैं, ये है इसका छोटा सा क्यूट सा ब्लाउज़ है, ठीक है। और बैग इसकी इतनी प्यारी है, ये देखें ये बैग है, यहाँ पे बो है, लेकिन ये इसको थोड़ा सा लूज़ है यहाँ से, इसका ये इलास्टिक थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। और साथ में ये गरारा नीचे ये वाला। और ये है विरदा का थर्ड ड्रेस, ये भी बहुत प्रिटी है। ये बैग है इस तरह से, गला पीछे से यूँ है, और नेक के ऊपर ये आ जाएगी, ये जो इन्होंने चुटिया सी बनाई हुई है। साथ इसकी क्यूलॉट है वाइट कलर का, और साथ ये दुपट्टा है इसका। दुपट्टा तो इसका इतना प्यारा है, ये देखिए। कांट वेट टू बाय एसेसरीज विद दीज ड्रेसेस। नेक्स्ट व्लॉग में मैं जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए ईद की, विरदा की भी। इसके साथ उसके बहुत सारे हेयर एसेसरीज, शूज़ तो उसके पास हैं, लेकिन कुछ और भी देखूंगी, क्योंकि मुझे पिंक कलर के इसके शूज़ चाहिए जो उसके पास नहीं है सीज़न में। कि चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है, मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी है। तो नेक्स्ट व्लॉग होगा शॉपिंग के ऊपर, तो वो देखना मत भूलिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी और आप लोगों को सारा टूर दूंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।